भरतपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अवैध शराब धरपकड़ अभियान के तहत डींग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। निर्देशन में अवैध शराब की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल दो जगह से सूचनाएं मिली थी, तो दो टीमें गठित की गई, जिसमें पहली टीम रामकिशन ESI के नेतृत्व में थी। तो अर्जुन गुर्जर इससे गोवर्धन गेट पर एक दुकान में अवैध शराब का भंडारण कर रखा था, उसे 9 पेटी शराब जब्त की है। इसी तरह से कामा गेट पर हरवीर सिंह हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 कार्टून अवैध शराब के जब्त किए हैं। इन लड़कों के नाम बंसो गडरिया और बनय सिंह गडरिया हैं। मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और आगे भी इस तरह की अवैध शराब के धरपकड़ की कार्रवाई जारी रहेगी।